हिंदुस्तान के इतिहास में अगर विजन की बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम आता था धीरूभाई अंबानी का, और उसमें हमने हमेशा नाम सुना था जामनगर का, और मुझे एक मौका मिला उसको वापस एक्सपीरियंस करने का, और अब मुझे समझ में आया कि क्यों धीरूभाई के बारे में ये बात कही जाती थी। और आज हम बात करेंगे, आपने एक बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, आज हम बात करेंगे धीरूभाई के पोते मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी से, जो इस प्रोजेक्ट को स्पेयर हेड कर रहे हैं। अनंत जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। और मैं ये देख रहा था, ये जो आपने इतनी पैशनेटली आप पिछले 12 घंटे से हम सबके साथ हैं और ये हमको सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पैशन क्या वही धीरूभाई का पैशन है जो आपके पास है इस समय? नहीं तो मेरे पिताजी और माननीय मेरे दादाजी श्री धीरूभाई, मेरे माताजी, आपकी दादी जी भी, दादी जी जामनगर की हैं। हाँ, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे बहन, सबसे मैं प्रेरणा लेता हूँ, मेरे लिए ये इंस्पिरेशन है। और इन्होंने जो किया है उसका अगर मैं थोड़ा भी कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जो धीरूभाई अंबानी जी ने और जो पापा ने, मुकेश भाई अंबानी जी ने, जो यहाँ रिफाइनरी, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी यहाँ खड़ा किया, दुनिया का, यहाँ माता जी ने सबसे बड़ा टाउनशिप, आप देखे होंगे हमारे जितने भी मेरे कलीग्स, हमारे जितने भी रिलायंस के एम्प्लॉइज, यहाँ जो रिलायंस के कर्मचारी है यहाँ रहते हैं, उनके लिए हमने पूरा एक सिटी बनाया, माता जी ने बनाया। और धीरूभाई ने जहाँ जब धीरूभाई थे, जब वो जीवित थे, उनका ये सपना था, उन्होंने, उनका तो देहांत हो गया बट पापा ने उनका सपना आखिर तक साकार किया। बिल्कुल नहीं, मैं धीरूभाई जी के बारे में कहा जाता था कि जहाँ आम इंसान की सोच खत्म होती थी वहाँ उनकी सोच शुरू होती थी, और यही ट्रेडिशन आपके पिताजी ने भी कंटिन्यू किया। मैं इस प्रोजेक्ट के को देख रहा था, ये इतना ग्रैंड है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आपके दिमाग में कब आया कि इस तरीके का कुछ करना है और इस स्केल पे करना है। जैसा आपने कहा कि दादाजी और मेरे माताजी, मेरे पिताजी, सबने कहा कि कुछ करना है तो ऐसे करना है कि दुनिया में एक नाम रह जाए। और जो धीरूभाई का फिलॉसफी था कि पब्लिक को लाभ होना चाहिए, उन्होंने 500 रुपया में मोबाइल दिया था एक समय पर, जहाँ हर एक ने उसका लाभ उठाया। पापा ने 4G का भी इसी से उनको सोच आया। हर एक बिजनेस, पापा यही कहते हैं कि जनता का लाभ कैसे हो उस हिसाब से वो बिजनेस को करते हैं, और जनता को उससे फायदा कैसे हो और उनका जिंदगी सरल कैसे हो जाए जनता का, उस हिसाब से पापा ने हमेशा बिजनेसेस खोले हैं। तो हम भी उस हिसाब से बिजनेसेस के लिए पापा ने हमें सिखाया गया। अब तो हम पापा के साथ, उनकी जो टीम है, मेरे कलीग्स जो हमारे साथ कर्मचारी, हम सब मिलकर पापा का विजन को साकार करने में लगे हुए हैं। अगर हम कुछ भी करें, उनको, हमें उनका विजन को आगे ले जाना है, और हम सब, हमारा पूरा टीम है, रिलायंस टीम, सब मेरे कलीग्स हैं, मेरे भाई बंधु, सब साथ में मिलकर हम उनके विजन के ऊपर लगे। आपके भाई और बहन की बात की आपने, उनका कितना सपोर्ट रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए? मेरे भाई श्री और मेरे बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जानवर पालन। मेरे पूरे परिवार में सब जानवर प्रेमी हैं, और सब ने जानवर का बहुत, जानवर के लिए उनका बहुत, पापा तो हमें बचपन से ही जंगल ले जाते थे, दादा को भी जंगल में बहुत शौक आता था, गिर में, दादा है चोरवाड़ के, गिरना, तो वहाँ उनके यहाँ लायन आते थे दादा जो है, तो हम बहुत गिर घूमे उनके साथ, तो दादा, दादी और मेरी बहन जो रिलायंस फाउंडेशन चलाती है और साथ साथ में रिटेल बिजनेस भी चलाती है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरी बहन का इसमें बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, और साथ साथ में मेरे माताश्री, तो आपको पता ही प्रेरणा है, बिल्कुल, मैंने आपको बताया है कि आज जो भी है मैंने मेरे माताश्री से सीखा है, और इनके लिए मैं इसीलिए ये सब आप खड़ा कर पाया, क्योंकि माताजी पिताश्री का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है ये सफल करने। बिल्कुल, इतना देखिए, इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ बिजनेस एंगल से नहीं हो सकता, वो पैशन बहुत जरूरी है, और वो पैशन मुझे आप में दिखाई दे रहा है। आपको तो, आप बल्कि CNBC आवाज से हो, तो आप बिजनेस के माध्यम से बात, थोड़ा बिजनेस की ज्यादा बात करता हूँ, लेकिन उसमें मुझे बियॉन्ड बिजनेस दिख रहा था। यहाँ तो आप अगर आप देखोगे तो हमने ये पूरा एक सेवालय बनाया है, यहाँ खाली जानवरों की सेवा होती है, हाथियों, अलग अलग प्रजाति के जानवर की सेवा, रेस्क्यू सेंटर बनाया है, और हाथी का एक कैंप, हाथी रेस्क्यू सेंटर बनाया है। यहाँ हमारे पास लगभग 200 से ज़्यादा हाथी हमने रेस्क्यू करके लाए हैं, और जानवरों में हमने लगभग 20 से 25 हज़ार जानवर रेस्क्यू किए हैं। यहाँ 100 से अधिक अलग अलग
प्रजाति के जानवर हमने लाए हैं, दुर्लभ प्रजातियों का भी हम संरक्षण करते हैं, उनको भी हम बचाकर उनका ब्रीडिंग का प्रयास और उनका कंजर्वेशन का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम उनको एक दिन जंगल में वापस से छोड़ पाए। आपने देखा होगा कि हमने ये पूरा 2000 एकड़ में बनाया गया है और कहाँ भी कोई भी जानवर जिसे मदद, जंगली जानवर जिसे मदद का जरूर है, हम खुले दिल से खुले हाथ से उनको ले आते हैं। और हमें ऐसे हमारा पूरा टीम जो 3000 लोग यहाँ काम करते हैं उनको लगता है कि उनका खुद का बच्चा है, उस हिसाब से हम उनको उनका जो जितना भी जो हमारे पशु वैद्य है उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा मैं एक बिजनेस चैनल से हूँ तो बार बार दिमाग में ये सवाल आता है कि आपने इतनी जमीन, ये पहले से क्या आपके पास थी इतनी जमीन या इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली एक्वायर की गई थी? आपको बताया कि यहाँ धीरू भाई के समय से जमीन था, ये हमारे जो ट्रस्ट है जो जानवर संभालने वाले ट्रस्ट है इनको एक लीजन लाइसेंस पर रिलायंस ने दिया गया है और ये रिलायंस फाउंडेशन से स्पॉन्सर्ड और सिर्फ फाउंडेशन से स्पॉन्सर्ड। मेरे माताश्री का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और माताश्री ने ही मुझे ये सब करने का प्रेरणा दी। और यहाँ अभी आप जैसे ज़मीन की बात कर रहे थे तो हमने जो पूरा बनाया है ये पूरा सोलर एनर्जी, जितना भी आप लाइट देख रहे हैं और जितना भी बायो, हमने बहुत सारा स्क्रैप मटेरियल अलग अलग से यूज़ कर ये सब बनाया है। तो 2000-2500 एकड़ पर बसा हुआ है पूरा जंगल, आपने देखा ही होगा कि बाहर बंजर जमीन है, यहाँ जंगल बनाया हमने। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर मान लीजिए और 10,000 जानवरों को बचाने की जरूरत पड़ेगी तो आगे जाके क्या इस प्रोजेक्ट को और एक्सपेंड किया जा सकता है? इतनी लैंड है आपके पास, इतने रिसोर्सेज हैं आपके पास उनको एक्सपेंड करने के लिए? हम सरकार के साथ साथ काम करते हैं, वन विभाग के साथ, गुजरात वन विभाग ने हमें बहुत सपोर्ट की और वो तो ऑलरेडी इतना मशहूर काम कर रहे हैं गिर में और पूरे गुजरात में, तो हम उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे और उनके उनके साथ हम सहयोग में उनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ करें। और यहाँ भी देखिए ये तो एक, अभी तो आप खाली एक झांकी देख रहे हैं, इसमें तो बहुत कुछ आना बाकी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा कि इसमें क्लियरली एक इकोनॉमिक एंगल है, क्योंकि मैं बात कर रहा था जो आपके लेपर्ड को संभालते हैं दिनेश, वो नक्सल इन्फेक्टेड एरिया से आए हैं जी, वो गढ़चिरौली से आए हैं। ओके, तो उसको हम लाए, हमारा बेसिकली 3000 से 4000 कैरटेकर है हमारे, और ये सबको हम पिछले भाग जहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज है या जो नॉर्थ ईस्ट के रिमोट एरियाज हैं, हम वहाँ से लाते हैं, इनको एक अलग तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत दिल से जो जंगल में रहते हैं जो आदिवासी जानवर के लिए उनका बहुत प्रेम अलग होता है और दिल से जानवर का सेवा करते हैं। तो आप देखो कि हम एक 3000 लोग हैं जिनका पेट यहाँ पल रहा है जानवर के।